नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। रोहतक के सांसद उपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा जेजेपी गठबंधन प्रदेश के विकास के लिए नहीं बल्कि प्रदेश को लूटने और निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए बना है। भाजपा ने अपने 5.5 साल के शासनकाल में प्रदेश को नशाखोरी और बेरोजगारी के मामले में देश भर में नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जहां प्रदेश में बेरोजगारी दर काफी कम थी, जो इस सरकार के शासन में लगातार बढ़ रही है, इसी के चलते प्रदेश में नशाखोरी भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का बजट सेशन चल रहा है, उम्मीद रखते हैं कि सरकार आर्थिक तेजी की ओर प्रदेश को बढ़ाने के लिए नीतियां लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बजट पर उनकी निगाहें जरूर रहेंगी लेकिन सरकार से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। एक सवाल के जवाब में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात करने वाले लोगों ने गठबंधन कर भाजपा की पुनः सरकार बनवाई है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन निजी स्वार्थों की पूर्ति और प्रदेश को लूटने के लिए बना है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश में अभी बजट सत्र शुरू हो चुका है, बजट सरकार को पेश करना है। आज 6 वर्ष की मोदी सरकार और पिछले 5.5 साल की खट्टर सरकार के कार्यकाल के बाद हरियाणा प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन की तरफ धकेलने का काम हुआ है। जैसे कि आपने देखा, कर्जा लगभग 3 गुना हो गया हरियाणा के ऊपर। जो हरियाणा जिसमें निवेश दर देश में सबसे ज़्यादा था और बेरोजगारी सबसे कम थी हुड्डा सरकार के समय, 2.8% बेरोजगारी 2014 में भारत सरकार मोदी सरकार के आंकड़े उस समय के, आज उस हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होगी, 30% बेरोजगारी। त्रिपुरा के साथ हरियाणा, ये दो प्रदेश हैं, त्रिपुरा बर्मा बॉर्डर का प्रदेश है, उसके बराबर की बेरोजगारी, आर्थिक मंदी की चपेट में पूरा प्रदेश, कोई नया निवेश नहीं हुआ, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई उद्योग नहीं, उद्योग धंधे सब ठप, युवा बेरोजगारी की तरफ, अपराध दर में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, अपराध दर में हरियाणा इसमें सबसे ज़्यादा अपराध दरों में से प्रदेशों में से एक, नशा देश में सबसे ज़्यादा नशे के प्रचलन वाले प्रदेशों में से एक हरियाणा पहुंचा दिया, पंजाब से भी ज़्यादा 22 सबसे ज़्यादा नशा प्रभावित जो जिले छाटे गए भारत सरकार ने, नीति आयोग ने, उसमें से 10 हरियाणा के, पंजाब से भी ज़्यादा। ये उपलब्धि इस खट्टर सरकार की 5.5 साल की कार्यकाल की रही है। तो आज जब बजट पेश हो तो प्रदेश में हम लोग उम्मीद रखेंगे कि जिस प्रदेश का आर्थिक दिवालियापन निकाल दिया हो, बेरोजगारी की रिकॉर्ड दर, किसान की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया हो, कुछ ऐसी नीति लेके आए, कुछ ऐसी योजनाएं लेके आए कि प्रदेश दोबारा से आर्थिक तेजी की तरफ दौड़ पहुँचे, कुछ विकास दर बढ़े और खुशहाली की तरफ हरियाणा दोबारा लौटे, जैसा समय चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय, जो समय हरियाणा ने देखा था तेजी से आगे हरियाणा बढ़ा था, उसी रास्ते में वापस हरियाणा लौटे, ऐसी हम आशा और उम्मीद करेंगे। मगर हमें कोई लंबी चौड़ी उम्मीद नहीं है, तो ठीक है प्रदेश के बजट पर निगाहें होंगी मगर उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनी है, इनका जो शुरुआती कार्यशैली रही है, इनकी चाल चलन रहा है, उसमें एक चीज़ स्पष्ट होगी, इस सरकार को लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लोगों की भलाई के लिए कोई अच्छे फैसले लिए जाएं, उस बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं। ये सरकार तो गठबंधन केवल निजी स्वार्थ और प्रदेश को लूटने खसूटने के लिए बनाए। एक एक जो अभी तक पिछले 4 महीने में एक एक बात आई सामने, उससे स्पष्ट हो गया कि लूटने खसूटने के लिए गठबंधन बनाए, अपने खुद के वायदे भी पूरे करने की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। 5100 पेंशन का वायदा था, 3100 का बीजेपी का वायदा था, 50 रुपये मात्र बढ़ाई गई, किसान के कर्जे माफ़ी का वायदा था, कोई जिक्र नहीं। आबकारी नीति आई, एक प्रदेश के अंदर ऐसी आबकारी नीति आई स्पष्ट रूप से, जिसमें जो शराब के बड़े ठेकेदार हैं उनका प्रभाव देखा जा सकता है, उनके प्रभाव में नीति बनी। तो सारी बातें हैं, ये इस बातों को देख के हमें चिंता होती है और कांग्रेस पार्टी आज एक टक्कर का मजबूत विपक्ष प्रदेश में है। हम लोग मिलके प्रदेश में जनता की आवाज़ उठाएंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे।